सबसे पहले आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ, आप जरा इस तरफ से देखिए। ये बाड़मेर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर पूरे ज़िले भर की जो व्यापार की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ संचालित होती हैं। बाड़मेर में बरसात को ख़त्म हुए करीब 5 से 6 रोज का वक्त बीत चुका है और बाड़मेर शहर का सीवरेज का पूरा गंदा पानी यहाँ पर रास्ता अवरुद्ध किए हुए हैं। आप एकदम पीछे देखेंगे, ये एंट्री गेट है यहाँ का। इस एंट्री गेट की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है और यहाँ के जो निकासी का द्वार है इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये भी जाम है, रास्ता बंद है। बीच में यहाँ पर आप देखिए कि पानी को ख़त्म करने के लिए या पानी को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर ये मलबा डाला गया है, अस्थायी समाधान कहा जा सकता है। हमारे साथ मंडी व्यापार संघों के का भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। सर, ये समस्या कब से पेश आ रही है और इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? शहर का जो सारा पानी है वो चूँकि ये गांधी नगर का पानी और जो ये इसके आसपास के एरिए का सारा पानी है वो सीवरेज लाइन के बहाव के कारण सारा मंडी में घुसाता है और यहाँ पर मंडी की दीवारों के आसपास में भी इंक्रोचमेंट होने की वजह से सारा पानी है वो मंडी में आगे इकट्ठा होता है और हालात ये है कि बारिश रुके को आज करीबन 10 रोज हो गए हैं लेकिन फिर भी ये पानी की आवक निरंतर मंडी के दोनों गेट पे, पहले तो एक गेट पे ही पानी आता था, वर्तमान स्थिति में दोनों गेट में भी पानी आने के कारण यहाँ पर आने वाले सारे व्यापारियों का, यहाँ पर आने वाले सारे ग्राहक का, जितने भी ट्रक्स आते हैं, जितने भी व्हीकल आते हैं और शहर के अंदर जो ग्राहक एक एक चाहे कट्टा ले जाते हैं चाहे कुछ भी ले जाते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे और कई बार तो हालात ये हो गए कि कई जो जैसे चीनी का कट्टा है वो भी पानी में गिर गया तो सारे ग्राहक ले जाने वाले को सारी परेशानी हो रही है और मंडी के अंदर एकदम पानी का भराव होने के कारण मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हद तक कई बीमारियाँ, डेंगू है और ये चिकनगुनिया है, ऐसी बीमारियाँ फैलने का भी पूरा अंदेशा हो गया है। तो मेरा प्रशासन से सारा निवेदन है कि वो इस संबंध में इस नाले का पूरा निराकरण करें और वरना ऐसी हालत में आगे हमारे व्यापारियों को भी सोचना पड़ सकता है। सर, ये जिले का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है और कितनी इनकम ये सरकार को देता है सालाना? तकरीबन हमारी जो मंडी के व्यापारी है मंडी के रूप में 5 से 7 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आमदनी है वो यहाँ मंडी को हम देते हैं। व्यापार खूब होता है यहाँ पे? हाँ, व्यापार अपने आप में बहुत खूब होता ही है लेकिन कोई ऐसा फंड नहीं है जिसमें मंडी अपने स्तर पर ऐसी समस्याओं का हल निकाले? मंडी के यहाँ मैं पूर्व में भी वहाँ मंडी बोर्ड में उपाध्यक्ष के तौर पर रह चुका हूँ। मंडी का एक मिनिमम फंड है वो स्थानीय छोटी मोटी समस्याओं के लिए निश्चित रूप से होता है लेकिन बड़ी के लिए इनको डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके कारण ये सारा कई बार ये लेट भी होता है लेकिन फिर भी हम स्थानीय स्तर पर मंडी ये व्यवस्था सारी कर सकती है। सर, तो लोगों को परेशानी होती है, व्यापारियों को कितनी परेशानी होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारियों को होती है आने जाने के लिए, 10 दिन से बरसात बंद होगी बोला आना जाना यहाँ भरा भी रहता है, शाम की वक्त तो बहुत ज़्यादा रहता है, हमें बूढ़े आदमियों को जाना है मुश्किल हो जाता है यहाँ से। कलेक्टर साहब भी सर बताते हैं कि यहाँ पे एक बार अभी थोड़े दिन पहले आए थे, दिशा निर्देश वगैरह दिए गए थे, कुछ जिला कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? कलेक्टर महोदय ने 15-20 दिन पहले यहाँ मीटिंग ली थी, NH वाले भी साथ में थे और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम बाहर से एक नाला निकलेगा और अंदर सीवरेज लाइन बिछेगी लेकिन अभी तो हाल पूरे बेहाल है। अभी हमारे व्यापारी लोगों का बाहर से आने वाले ट्रकों का पैदल आना तो बिल्कुल बंद हो गया है, 2-व्हीलर से आते हैं, कई बार गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों के चोटिल हो रहे हैं। इसकी समस्या का समाधान प्रशासन को अविलंब करना पड़ेगा अन्यथा हम व्यापारी मजबूर होकर के हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कलेक्टर साहब के यहाँ आने के बाद भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा? उसके बाद ये बारिश हुई है, बारिश को आज 7 दिन हुए बंद हुए को, उसके बाद भी आज जो गंदे नाले का पानी जो चामुंडा चौराहे से जो अनुरोध जारी है, बरसात का पानी तो हमारे यहाँ एक दिन में निकल जाता था लेकिन रोडों पर कुछ तो अतिक्रमण हो गए कृषि मंडी की दीवार के आसपास, उस अतिक्रमण की वजह से सारा पानी रोक गया है तो दोनों गेटों से पानी की आमद है और अभी 8 दिन तक बंद नहीं हुआ और गंदा पानी बदबूदार पानी आ रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के खजाने को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये देने वाले
इस मंडी विभाग का, मंडी प्रशासन का इस ओर ध्यान भी कुछ कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरी विभाग है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से निष्क्रिय है, चाहे राजमार्ग बनाने वाला विभाग हो, चाहे यहाँ का नगर परिषद हो, क्योंकि यहाँ पर आसपास सारे इलाके में व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हो चुके हैं। बावजूद इसके कोई भी इस व्यापारिक स्थल को किसी भी तरीके से शुद्ध लेने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि बाड़मेर की जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले इन व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि व्यवस्थाएं सुधरेगी, लेकिन व्यवस्थाएं कब सुधरती है यह भविष्य के गर्भ में है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।